भारतीय जनता पार्टी की सीधे सीधे दोहरी नीति है। पिछली बार भी हमने बड़ा दबाव बनाया कि आप गैरसैंण की बात तो करते हैं लेकिन गैरसैंण में कभी सदन नहीं करते, आप ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात तो करते हैं लेकिन आप कभी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी में ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं चलाते, आपने बजट सत्र भी गैरसैंण में चलाया तो गैरसैंण का उस बजट में जिक्र भी नहीं रखा, गैरसैंण के लिए कोई बजट भी नहीं रखा। तो इस बार फिर उन्होंने देखिए गैरसैंण में बजट सत्र नहीं चलाया, फिर देहरादून चला दिया। ये आराम परक सरकार है, ये बजट भी फॉर्मेलिटी के लिए लाती है कि इनके काम हो जाए। अन्य राज्यों में बजट सत्र 3 हफ्ते चलता है और हमारे यहाँ 3 दिन चलता है, बजट पर चर्चा तक नहीं कराई जाती, विभागवार बजट पर चर्चा तक नहीं कराई जाती। हमारी विधानसभा की नियमावली कहती है कि एक वर्ष में 60 दिन सत्र चलना चाहिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष में 60 दिन चलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जनता के जो मुद्दे उठते हैं उनसे डरती है, घबराती है, जन सरोकारों को सुनना नहीं चाहती, उनका समाधान करने की हिम्मत इनके अंदर नहीं है, इसलिए ये सत्र को छोटा करती है। और गैरसैंण में इनका सत्र नहीं चला जाना साफ साफ इनके पहाड़ विरोधी मानसिकता को दर्शाता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।